सेशन कोर्ट के जज बोलता है कि मैं इसको और स्ट्रिक्ट सजा देना चाहता हूं क्योंकि ये लोग विकास विरोधी हैं। हॉस्पिटल में हम लोग थे तो FIR करने के लिए पहले तो हम लोग को घेरा गया, पुलिस के सामने धमकियां दी गई। क्रांतिकारी इस्तकबाल, मेरा नाम एहतमाम है, मैं लॉयर्स अगेंस्ट एट्रोसिटी से हूँ। कल कैंपेन जो हो रहा था उसमें कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन का पार्ट होने के नाते हमारी संगठन की तरफ से हम भी आए थे कैंपेन करने के लिए। तो कैंपेन होने के बाद बाहर के कैंपेन वगैरह में मैं भी शामिल था वहाँ पे। उस दौरान कैंपेन करने के दौरान अटैक हुआ, उस पर बार बार बात करने का कोई मुद्दा नहीं है। वैसे मैं बस बात करना चाहूँगा कि ये जो केस है, इस केस में एक्चुअली में है क्या। 2014 में इन लोग को, साईं बाबा को अरेस्ट किया गया और बिना सैंक्शन के इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई, चार्ज फ्रेम किया गया, ट्रायल स्टार्ट कर दिया गया। 2017 में इनको कन्विक्ट किया गया ये बोलते हुए कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन इनका ब्रेन बहुत डेंजरस है। पांडु नरोटे जो अभी पिछले कुछ महीनों पहले इसी केस में थे और वो उनका कस्टोडियल किलिंग हुआ है कि उनको, क्योंकि उनको मेडिकल नेग्लिजेंस, डेलिबरेट मेडिकल नेग्लिजेंस किया गया और उनको इलाज नहीं कराया गया जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। उनको सजा देते समय सेशन कोर्ट के जज बोलता है कि मैं इसको और स्ट्रिक्ट सजा देना चाहता हूं क्योंकि ये लोग विकास विरोधी हैं। विकास विरोधी हैं क्यों? क्योंकि वो अपनी जमीन को बड़े बड़े कॉरपोरेटों को से छीनने नहीं देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपनी जमीन पे रहें, अपना जीवन यापन करें, अपनी जिंदगी को गुजारे। लेकिन सरकारें बड़ा बड़ा विकास का मॉडल जिसमें सरकार आदिवासियों की, गरीब जनता की जमीन ये छीन के बड़े बड़े कॉरपोरेटों को देती है, मल्टी बिलियन डॉलर्स का कोल, मैंगनीजियम, बॉक्साइट, क्या क्या निकाल के लेके जाया जाता है। अभी भी बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं कोरापुट में और बॉक्साइट माइनिंग के खिलाफ और आयरन ओर माइनिंग के खिलाफ रावघाट में। तो इन्हीं सब मुद्दों पे साईं बाबा और हेम मिश्रा और इन तरह के लोग काम करते थे और हमारे तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी उसमें काम करते आए हैं। और इस सवाल को उठाने के लिए उनको जेल में डाला गया। अभी जो बॉम्बे हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया, स्पेशल लॉ है UAPA, UAPA में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है सेक्शन 45 क्लॉज 1 में कि अगर मैंडेटरी लीगल सैंक्शन नहीं है सैंक्शनिंग अथॉरिटी से, मतलब मैंडेटरी है ये, और सुप्रीम कोर्ट का ही एक जजमेंट है, उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर लीगल सैंक्शन नहीं है तो पूरा का पूरा ट्रायल ही नल एंड वॉइड होगा। इसी बेसिस पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनको एक्विटल दिया। लेकिन ये पूरा लीगल आर्गुमेंट्स को, जो हमारा मतलब एपेक्स कोर्ट है, जो हमारा सबसे बड़ा न्यायालय है, वो पूरे के पूरे कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, उसने बिल्कुल लीगैलिटी पे ध्यान ना देते हुए पूरा सरकार के वर्ड टू वर्ड में बात में बात मिलाया है और बोला है कि ये लोग नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, ये लोग अर्बन नक्सल हैं और ये मामला नेशनल सिक्योरिटी का है, इसलिए इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का जरूरी नहीं है। ब्रेन इज मोर डेंजरस के हिसाब से तो यहाँ पे जितने लोग मौजूद है, जो लोग सवाल उठाते हैं, आज आदिवासियों के लिए बात करना बड़ा मसला है, कल महिलाओं के मुद्दे पर आए दिन रेप हो रहे हैं, कल उस पे बोलना, अभी पिछले 2 साल पहले गुड़मंडी में रेप हुआ था एक दलित महिला का, माइनर थी वो, 17 साल की, आज तक FIR नहीं हुआ, उस पे बोलना, वो भी देशद्रोही का मामला हो जाएगा। NAP पे बोलना देशद्रोह का मामला हो जाएगा। हम अपने हक अधिकारों के लिए बोलते हैं, ये आपका एक डेमोक्रेटिक राइट है, ठीक है, और इसको अगर टेम्पल किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट, ये सारे जुडिशरी से ये सवाल उठाना चाहिए कि आप किस तरह के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करने का बात करते हैं। इसीलिए ये प्रोग्राम जो है, वो प्रोग्राम हो रहा है, उसमें तमाम तरह के डिमांड्स, जैसे कि अपहोल्ड करने का, बॉम्बे हाईकोर्ट के जजमेंट को अपहोल्ड करने का डिमांड है और उनको रिलीज, साईं बाबा और बाकी साथियों को रिलीज करने का डिमांड है, उसको लेके प्रोग्राम होगा 5 तारीख को 2 बजे, वहां पे जरूर शामिल हो HKS सुरजीत भवन में। साथियों एक और बात कहनी है, कल जब
हॉस्पिटल में हम लोग थे तो FIR करने के लिए पहले तो हम लोग को घेरा गया, पुलिस के सामने धमकियां दी गई। उसके बाद मॉरिस नगर थाने के SHO आते हैं, वहां पे हम सबका स्टेटमेंट लेते हैं। साथ ही बादल के सर में 2 स्टिचेस लगे हैं, मेरे कान पे कट्स आए हैं, हेड इंजरी, अगर ब्लीडिंग होती है, अगर कट होता है, लीगैलिटी में बात करते हैं ये लोग बोलते हैं ये लीगल है, ये इलीगल है। हमारे ऊपर सारी चीजें इलीगल लीगल आती हैं, लेकिन उस मुकदमे में आज मुझे FIR की कॉपी मिली है। इस FIR में इन लोगों ने 307 का मुकदमा नहीं लगाया है ABVP के गुंडों के ऊपर, बल्कि इसमें क्लियर 307 का मुकदमा बनना चाहिए और तुरंत अरेस्ट होना चाहिए इन लोग का। ये क्लियर साफ साफ जाहिर है कि पुलिस प्रशासन ABVP के गुंडों को शील्ड कर रही है और इसका विरोध होना चाहिए और इस पे कड़ी आवाज उठनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। इंकलाब जिंदाबाद।